बल्कि एवरी सिंगल पेशेंट जिसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है उसके दिमाग में ये सवाल आता ही है कि क्या ये हर्निया फिर से हो सकता है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, कितने अच्छे से हर्निया का ऑपरेशन हुआ है ये ऑब्वियस सी चीज़ है, राइट। जब भी कहीं टाँके लगते हैं, जब भी कहीं, एक प्लास्टिक सर्जन भी टाँके मार सकता है कि आपका जो स्कार है दिखाई ही ना दे, और एक सिंपल सा कोई क्या कर सकते हैं वार्ड बॉय या कोई मेडिकल असिस्टेंट जो वहाँ होते हैं डॉक्टर का जो कंपाउंडर, वो भी टाके मार सकता है, उसमें फिर आपको इतना बड़ा स्कार आ जाए। सो इट्स अबाउट एक्सपर्टीज, इट्स अबाउट नॉलेज। सो हर एक सर्जन, एक ही डिग्री वाले सर्जन्स में भी डिफरेंस हो सकता है उनके स्किल लेवल का, उनके टाइम का, उनके इंटरेस्ट का, कि नहीं मुझे इसको और अच्छे से ठीक करना है, नहीं मेरे को फटाफट करना है, नहीं मुझे 10 सर्जरी करनी है, नहीं मुझे एक ही करनी है, अच्छे से करनी है। सो इट्स सो मैनी फैक्टर्स प्ले अ रोल कि आपकी सर्जरी कितने अच्छे से हुई, कितनी अच्छी तरह से हर्निया रिड्यूस हुआ, वहाँ पर अच्छे से सूचर मारे गए। बट 90% ऑफ द केसेस ये सर्जरी कोई मेजर सर्जरी नहीं है तो अच्छे से हो जाती है। मैश अच्छे से प्लेस किया कि नहीं किया, बिल्कुल ठीक है, सर्जरी अच्छे से हो गई। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पोस्ट सर्जरी केयर। पोस्ट सर्जरी जो पहला कुछ टाइम होगा, हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, वो टाइम पे वो घाव अपने आप में हर्निया बन सकता है अगर आपको फिर भी खांसियाँ आती रही, आपने फिर भी लैटरिन में ताकत लगा लगा के कॉन्स्टिपेशन किया, आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया। सो इट्स इम्पॉर्टेंट इन योर हैंड कि बेसिक्स को ठीक करना ज़रूरी है। उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको फिर हर्निया नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेसिक ही नहीं ठीक है, खाऊं खाऊं खांसी खांसी या लैटरिन में स्टूल ताकत लगा लगा के इशाप में, सो आपका वो इंसिजन हर्निया का भी फट सकता है, डबल हर्निया हो सकता है। सिर्फ एक मेश से काम नहीं होगा, इट्स अबाउट द होल पैकेज, राइट। सो हर्निया फिर से होने के चांसेस रहते हैं, बट इट्स नॉट, मतलब ज़्यादातर केसेस में हर्निया फिर से नहीं होगा। जो लोग ख्याल नहीं रखते उनका ज़रूर फिर से हो सकता है, राइट।